आज तक भाई संसार के नजारे, आज तक भाई संसार के नजारे, अब धर्म के नजारे भी भाएंगे। और भले ही हम दिल्ली का प्रदूषण दूर ना कर पाए, कोई बात नहीं, दिलों का प्रदूषण दूर कर जाएंगे। दिल का प्रदूषण दूर करना तो प्रधानमंत्री के बस की बात भी नहीं है, केजरीवाल तो क्या करेंगे। और ऐसी चीज है कि जिसे करना काफी कठिन है, लेकिन जिन वाणी प्रभु महावीर की वाणी का आश्वासन है कि मुनि संघ की गंगा में गोता लगाओगे तो दिल्ली का ना सही, दिलों का प्रदूषण जरूर दूर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि बाहर का प्रदूषण उतना खतरनाक नहीं होता है जितना भीतर का प्रदूषण खतरनाक होता है। इंसान कहता है कि वायु का प्रदूषण दूर करो, होना चाहिए वायु का प्रदूषण दूर होना चाहिए, धुआं कम होना चाहिए, धूल कम होना चाहिए। इंसान कहता है कि धरती का प्रदूषण दूर करो, मिट्टी में जहर मत लाइए, गंदगी मत उड़े लिए, प्लास्टिक मत डालिए, धरती का प्रदूषण दूर करिए, वायु का प्रदूषण दूर करिए, धरती का प्रदूषण दूर करिए, पानी का प्रदूषण भी दूर करिए, पानी में गलत और गंदी चीजें मत डालिए, गंगा को गमना रहने दीजिए और यमुना को यमुना रहने दीजिए। गंगा को गंदा बना दिया और यमुना को नाला बना दिया। पानी के प्रदूषण को दूर कीजिए। और अगर हम महावीर स्वामी की भाषा के हिसाब से चलें, जिनवाणी ने जिस ढंग से श्रावक के जीवन की शैली बताई है उस ढंग से चलें, तो ये सारे प्रदूषण चुटकियों में खत्म हो सकते हैं। लेकिन लोगों को केवल ऐसो आराम का जीवन चाहिए, टोटल मौज मस्ती का जीवन चाहिए। अतिथि संविभाग एक तरफ रख दीजिए, हमारे यहां आना चाहते हैं। फिर द्वारा जब वो आए तो हमने उनसे पूछ लिया कि भाई आपकी इच्छा हो तो सोचो तो बोलो, हम तो जंगली साधु हैं, हमारा कोई दबाव नहीं है, हम तुम्हारे यहां नहीं आना चाहते हैं, हम किसी के यहां नहीं आना चाहते हैं। गंगा और नदी तो अपनी अलमस्त धारा में बहती जाती है, जो सौभाग्यशाली होता है वो जलपान करता जाता है। और महाराज जी की कोई आशा नहीं है कि ज्यादा चौके लगाओ, श्रावक का कर्तव्य है श्रावक उतना सीख जाओ, उससे ज्यादा हमें और कोई नहीं सिखाना है। देव पूजा गुरु उपासना प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है। कल जहां पड़गान हुआ था वहां भी चार आदमी खड़े, जितनी ही जगह थी, दो साधु खड़े थे, लेकिन शायद आज उनकी भी ताकत खत्म हो गई। श्रावक को जिंदा रहना चाहिए। और कभी भी साधु आते हैं, शुद्ध आहार परिवार के लिए बनाइए और साधु का पड़गान करके साधु को भी आहार कराइए, ये विधि है। दिल्ली वासियों इतना सीख गए, आप तो बहुत सीख गए। आप कहोगे महाराज जी हम तो आत्म ध्यान करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक वह आत्म ध्यान करने वालों के निकट नहीं आएंगे तब तक वो आत्म ध्यान कैसे कर पाएंगे। मुनिराज जो निरंतर आत्म स्वरूप की गंगा में गोता लगाते हैं, ज्ञानी धर्मात्माओं को मुनि की सेवा का भाव आता ही है। क्यों? आप जिस मार्ग पर चलना चाहते हैं उस मार्ग पर चलने वालों का बहुमान आता ही है। और अगर देवशास्त्र गुरु का बहुमान नहीं आता है,
इसका मतलब है आपको उस मार्ग की रुचि नहीं है। अगर उस मार्ग की रुचि हो जाएगी तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि ऐसा करो ऐसा करो। दिल्ली वासियों, दिल से जोड़ो, धर्म से जोड़ो, किसी व्यक्ति विशेष से भी नहीं जोड़ो और किसी पंथ और परंपरा से भी नहीं। जुड़ना है तो सीधे भगवान महावीर स्वामी से जोड़ो। महावीर जैसे दिगंबर रूप से जुड़ो, उनकी जैसी दिव्य वाणी बोलने वाले साधकों से जुड़ो और जीवन में परिवर्तन लाओ। जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कितनी सरकारों का परिवर्तन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंसान का जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए, जीवन स्तर बदलना चाहिए, जीने का तरीका अंतर्मुख प्रवृत्ति। यानी एक साधु जब घर में कदम रखता है तो परिवार का पूरा माहौल बदलता है। संसार की उपलब्धियां एक दिन सारी की सारी रेत की तरह हाथ से फिसल जाती हैं। काम क्या आता है बोलो ज्ञानी? संसार की उपलब्धियां काम नहीं आती। अच्छी बात है कि आप दिल्ली में आ गए हैं, रह रहे हैं, अच्छी बात है कि आपकी 2-3 फैक्ट्री हो गई हैं, और अच्छी बात है कि अच्छे संयोग मिलने से आपकी धर्म में भी थोड़ी बहुत रुचि है। लेकिन थोड़ी बहुत रुचि से नहीं होगा। किसी चीज की उपलब्धि के लिए पूरी तरह से जैसे आप भिड़ जाते हैं, पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, और कभी कभी तो कहते हैं कि इस बार मर करके भी मैं ये चीज हासिल करके रहूंगा, है ना? मर करके भी ऐसा होता है ना कभी कभी, इस बार मर करके भी मैं अमुक चीज, अमुक वस्तु, अमुक गाड़ी, अमुक फ्लैट हासिल। मर करके मतलब अभी आप मर करके वो चीज हासिल कर लोगे तो उसका उपयोग कौन करेगा, भोगेगा कौन? लेकिन ये भाषा आती है कभी कभी मुंह पर, भले मर जाऊं लेकिन ऐसा करके रहूंगा। अरे मर जाओगे तो ऐसा कैसे करके रहोगे? लेकिन उसका आशय समझने वाले समझ सकते कि इसकी भावना इतनी उत्कट है कि हर हाल में एनी कास्ट एनी वे ये हासिल करना चाहता है। पंडित जी किसी भी हालत में संयम लेकर के रहेंगे, दीक्षा लेकर के रहेंगे। अरे जीवन में तत्व ज्ञान पाया है, हजारों लोगों को पढ़ाया है, सैकड़ों लोगों का सहयोग किया है, तपस्वी सम्राट जैसा अद्भुत सानिध्य पाया है। देवता भी जिनके सानिध्य को तरसते थे। आप कहोगे महाराज जी चार आदमी तो उनके पास जाते नहीं थे। हम कहेंगे कोई बहुत पुण्यशाली ही उनके पास पहुंच पाते थे। भीड़ तो मदारी भी इकट्ठी कर लेता है, भीड़ तो मदारी भी इकट्ठी कर लेता है, लेकिन सौभाग्यशाली कोई होता है कि जो समय क्षण में शरीक होता है। और तपस्वी सम्राट का वो था अद्भुत साधना का ओरा, उस ओरा में भी हर आदमी नहीं घुस पाता था। जिनने उनका नैकट का अनुभव किया हो, उनके तेज का एक ओरा था और उस ओरे में भी हर आदमी, उसके लिए कुछ तो फीस लगती थी, और फीस लगती थी आपकी समर्पण की। सिर्फ आपके भीतर श्रद्धा चाहिए। केवल सेवा करने वाले वहां तक पहुंच पाते थे, नेतागिरी झाड़ने वाले झाड़ते रह जाते थे। सौभाग्य है आपका कैसे अद्भुत चरण यहां कभी पड़े और उन चरणों ने ढेरों लोगों के आचरण बदले। टीकम जी अभी जो बात कह पा रहे हैं कि संयम लेना ही है और लेंगे, वो उनके ही आशीर्वाद का फल है।
अब मुझे लगता है कि यहां बैठी हुई आंखें निकट भविष्य में उनको और थोड़े और लोगों को संयम के मार्ग पर बढ़ता हुआ देखें। अद्भुत चीज है मुनि राजों का संयम। जिन शासन में संयम और इस जीवन में संयम मिल जाए, संयम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। सौभाग्यशाली हो कभी कल्पना तो करना। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि अब महाराज जी आ गए, अब क्या होगा, महाराज जी तो क्या जरूरत है, महाराज जी क्या देंगे, महाराज जी की तो सेवा में और समय लग जाएगा और परेशान हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, यह संयम का वह बाना है जो तीर्थंकर भगवंतों ने भी कहां से आया है बोलो। महाराज जी आज आसमान से टपक आए क्या? यानी तुम्हारी फर्म जितनी पुरानी नहीं होगी। चिमन लाल जी की फर्म कितनी पुरानी है, है? बोलो बोलो, अपनी बोलो, अपनी अपनी फर्म बोलो। 100 साल, 50 साल, 20 साल, 200 साल, 300 साल, सिंस 1899, ठीक है? कोई भी फर्म कितनी पुरानी होगी, यानी तुम्हारी फर्म तो कितनी पुरानी होगी, है? हमारी फर्म तो आदिनाथ भगवान से चली आ रही है। अनंत चौबीसी हो गई, और इस युग की अपेक्षा करो तो महावीर स्वामी, और इन सदियों की अपेक्षा से कहो तो आचार्य आदि सागर जी, शांति सागर जी, देशभूषण जी जैसे तपस्वियों से ये धारा निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसमें अविश्वास की कोई बात ही नहीं है। पूर्ण सत्यता का, पूर्ण सौम्यता का, पूर्ण आत्मोपलब्धि का ये मार्ग है। अभी बात अलग है कि कोई इस तेजाय मान मार्ग पर चौंधिया जाए, ये उनकी आंखों की कमजोरी। कोई कोई त्यागी भी चौंधिया जाते हैं, और ऐसे कीमती राजा के महाराजा के मार्ग को मां पा करके भी बोलो। यानी कोई राजा हार मुकुट लगा करके, हीरे मोती के आभूषण पहन करके और पुराना सा कटोरा लेकर के भीख मांगने निकले, कैसा लगेगा? लोग कहेंगे कि राजा को क्या कमी है, इसके शरीर पर ही इतना सारा जेवर लदा हुआ है, फिर भीख किस लिए मांग रहा। जैसे कोई राजा भीख मांगे तो सबको तरस आएगा, प्रश्न पैदा होगा, और वो अपनी तौहीनी कराएगा, अपने राजपद की बेइज्जती कराएगा। ऐसे कोई दिगंबर तपस्वी राजा नहीं, मोक्ष मार्ग का महाराजा किसी के सामने हाथ फैलाता है तो उसका हाल उससे बदतर हो जाता है। तीर्थंकरों का मार्ग है, भिखारियों का मार्ग नहीं है। दिल्ली में कुछ अमीरों की एक धारणा बनी हुई है कि कोई भी मुनि संघ आएंगे और कुछ ना कुछ लेकर के, और ना लेके जाएंगे तो यहीं बस जाएंगे। हाँ, बस जागते रहो, आंखें खोल के देखता रहो, इस संघ से आपको प्रूव हो जाएगा कि ना कुछ लेके जाएंगे और ना कहा यहां बस जाएंगे। हाँ, बस इतना जरूर है कि यहां नहीं बस जाएंगे, लेकिन शायद ही कोई ऐसा दिल होगा कि जिसमें नहीं बस जाएंगे। साधुओं का मार्ग अति उत्तम है, अत्यंत उत्कृष्ट है, अत्यंत महान है। इसकी गौरव गरिमा साधुओं को तो संभालना ही चाहिए, श्रावकों को भी इसकी महिमा बढ़ाते रहना चाहिए। अरे ज्ञानी, विचार करो, अपनी आंखों से देखते हो कि जब मुनि संघ निकलता है और मुनि संघ के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रावक निकलते हैं तो दूसरे लोग यूं ताकते रह जाते हैं कि क्या है, अद्भुत है, क्या है?
ऐसा भी होता है जिनके तन पर धागा नहीं उनके साथ इस सोने चांदी पहने हुए लोग निश्चित रूप से सोने चांदी से ज्यादा कीमत होगी इन तपस्वियों की, जिन शासन की प्रभावना होती है। और कभी ऐसे संयोग का योग मिले और हर घर के द्वार पर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु की आवाज आए और सारे अपार्टमेंट से लोग झांक झांक के देखें कि आज कौन सा त्योहार आया। गुरुग्राम में गुड़गांव में एक श्रावक पड़काहरण करके ले गए 1.5 किलोमीटर तक, है आधा किलो सोना उनके गले में लटका हुआ, पाव पाव सोना हाथ में लटका हुआ है, लटका हुआ ही बोलेंगे, आप कहोगे पहना होगा। और सड़क पर चले जा रहे हैं और जब वहां आचर्या हुई पड़गान हुआ सारी खिड़कियां खुल गईं, लोग देखने लगे और जब मुनि चले गए तो भी दूसरे दिन तक बात होती रही कि अहो दिगंबर मुनि आए थे और अमुक श्रावक के यहाँ उनकी आहार चर्या हुई है, आज हमने ऐसे साधु देखे हैं और ऐसी चर्या सुनी है, कैसे प्रभावना ना होगी। अमीर से अमीर आदमी ऐसी चर्या ऐसी साधना सुन करके प्रभावित होता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, जिम्मेदारी श्रावकों की भी बनती है कि भी उसमें निमित्त बने। आपके निमित्त से किसी जीव को सम्यक दर्शन होता है पंडित जी, हैं? जब ऐसे श्रावक घर घर पड़गान करेंगे तो सब्जी भाजी वाले भी दिगंबर मुद्रा है और ये दिगंबर नग्न तपस्वी की ऐसी कीमत, ध्यान रखना ये इन व्यक्ति की कीमत नहीं है, ये अमुक महाराज अमुक माताजी की कीमत नहीं है, ये वीतरागी भगवान महावीर स्वामी के शासन की कीमत है। सुनील सागर ये ना समझ लें शशांक सागर कि मेरी इतनी महिमा हो रही, कोई मुनि महाराज ये ना समझ लें कि मेरी पूजा हो रही, कोई साधु ये ना समझ लें कि देखो मेरे पास तो 10-20 लड़के आके बैठते हैं और ये महाराज के पास कोई नहीं बैठता, वो ना ये समझ लें, ये समझ लें तो उनकी भूल होगी। वो श्रावक तुम्हारे पास आकर के नहीं बैठते हैं, बैठे हुए तुम्हारे पास दिखते हैं, वास्तव में वो तो दिगंबर तपस्वी के साथ बैठे हैं, वो भगवान महावीर की मुद्रा के पास बैठे हैं। ये मुद्रा तुम्हारे पास ना होती तो, और गृहस्थी श्रावको मुनिराज भी अमुक के घर नहीं चले जाते हैं, वे तो बरसों की पीढ़ियों से श्रावकों का परिपालन करने वाली, श्रावक परंपरा का परिपालन करने वाली किसी श्रावक श्राविका के यहां पड़गते हैं।